मैं देख रही हूं। तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? नहीं तो क्या हुआ? क्या सिनान के केस को लेकर कुछ हुआ है? मेरा फोन तो ऑन था। करीम देखो, फोन की बैटरी चार्ज है। अरे नहीं नहीं, मुझे कुछ काम था। इसको गेस्ट हाउस में कोई रूम मिल नहीं पाया। तुम चंद दिनों के लिए इसको अपने पास रख सकती हो? मैं किसी होटल वगैरह में ज्यादा कंफर्टेबल रहूंगी। अजलान? अरे प्रोसिक्यूटर साहब, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, तुम बताओ? यार इतने दिनों से कोई मैच नहीं हुआ, एक गेम हो जाए? हाँ क्यों नहीं, जबरदस्त। वेलकम। हेलो, मेरा नाम लैला है। करीम। इंस्पेक्टर लैला, न्यू ट्रांसफर है, इनको जगह नहीं मिल पाई थी तो मैं यहाँ ले आया। आप लोग बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आए ना जनाब। आप लोग प्लीज अंदर आइए। नहीं, मुझे इजाजत दीजिए, आज काफी थक गया हूँ। लैला आप लोग के हवाले। मेरे ख्याल से मुझे किसी होटल में ही स्टे करना चाहिए, ऐसे ही इन्हें जहमत होगी। अब आप यहाँ आ चुकी हैं तो होटल में जाने की क्या जरूरत है? जनाब आपको जाने भी नहीं देगी। चले यहाँ तो सब सेटल हो गया, मेरी तरफ से खुदाफिज। अब आप ही जाएं। मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब किया, आई एम सॉरी। अस्तगफिरुल्लाह। कॉफी भी तैयार है, बस साथ ही पीते हैं। ट्रामजोन बहुत खूबसूरत है। मैं वहां 2 साल रह चुका हूं, जब मैं जवान था और मैंने नई नई जॉब शुरू की थी। वहां के लोग बहुत अच्छे हैं। हाँ, वहां के लोग वाकई अच्छे हैं। जनब को कभी मेरे साथ वहां जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ, पर मैं चाहता हूँ कि हम वहां जाएं और ब्लैक सी की सैर करें। क्या ख्याल है? वैसे ट्रैबजोन में मेरा एक बहुत करीबी दोस्त भी रहता है, आप वहीं पैदा हुई थी क्या? मैं दरअसल चलो मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा दूँ, ये थक गई होगी, सोने का वक्त हो गया है। अभी तो हमने बातचीत करना शुरू किया है। नहीं नहीं, ज़ैनब ठीक कह रही है, मैं आज बहुत ज्यादा थक गई हूँ तो मैं आराम करूंगी। ठीक है, रूम उस तरफ है। गुड नाइट। गुड नाइट। मुझे अंदाजा नहीं था कि अजलान तुम्हारे घर लेकर आ रहा है मुझे। अगर मुझे पता होता तो मैं यहां कभी नहीं आती। अगर तुम नहीं चाहती कि किसी को पता चले कि हम दोस्त हैं तो ऐसा ही होगा। सही कहा। ठीक है, मैं भी यही चाहती हूँ। मुझे नहीं लगता तुम हमारे डिपार्टमेंट में रह सकती हो। क्यों नहीं रह सकती हूँ? अजलान को अच्छी तरह जानती हूँ, वो जरूर पता लगा लेगा तुम्हारा ताल्लुक सिनान करादाग से रह चुके। मेरा उससे अब कोई वास्ता नहीं है तो फजूल बातें नहीं करो। वो तो देखा जाएगा। इन बातों के लिए बहुत पछताओगी एक दिन तुम ज़ैनब। टॉवल्स बाथरूम है, क्या कपड़े चाहिए तुम्हें? मेरे बैग में मेरे कपड़े मौजूद हैं, तो शुक्रिया। ठीक।